दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जैसे ये पहना है सैयदा ने, तो ये हिजाब बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो छोटी बच्ची जो पहनती है हिजाब, तो ये बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे और किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, डिजाइनर भी बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाला हूँ। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीटर कपड़ा। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, ये देखिए 39 इंच का 1 मीटर होता है और इसका अर्ज हमारा 40 के आसपास है। इसको हम जो है इस तरीके से देखिए किनारे वाली साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद काउंटर पे हम इसको इस तरीके से रख लेंगे और मैं सही से रख के फिर आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको इस तरीके से किनारे पे रख लेंगे, देखिए मैंने इक्वल इसको डबल में करके रखा हुआ है किनारे वाली साइड। अब यहाँ से जो हमें मेजरमेंट रखना है उसको आप ध्यान से देखें, तो इंची टेप लेना है, लंबाई में हमें यहाँ पर 31 इंच पे दोस्तों निशान लगाना है, ठीक है। 31 के बाद इस जगह पर दोस्तों हमें लगाना है तकरीबन 17.5 इंच पर, ठीक है। और एक निशान 17.5 पे हमें यहाँ पे लगाना है। ये दो निशान लगाने के बाद इसको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इंची टेप रखना है और यहाँ पे तकरीबन 19.5 पे निशान लगा लें। और ये जो निशान हमने लगाया था इधर दोस्तों, बस इसको आपको इस तरीके से हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे राउंड दे देंगे, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे मिला देंगे। ये अंदाजा है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे सिंपल कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ऐसे कटिंग करते जाना है हमें। और अब इस साइड से हम कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा कपड़ा इतना बच जाता है, इसका काम नहीं है। अब इस साइड में जो बंद वाली साइड है, ध्यान से देखें आप, इसको हमें यहां से सिलाई लगाते हुए लेके आना है इस जगह से और तकरीबन इस जगह पे लाके उतार रोकना है। लेकिन यहाँ पे हम इसकी गैपिंग रखेंगे, इसकी तकरीबन जो बच्चे की सर है ना, इसके हिसाब से हम 8.5 का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पक्का करेंगे और यहाँ पे लाके सिलाई को पक्का करके उतार देंगे, तो ये हमारा इस तरीके हो जाएगा। फिर इस तरीके से हम अंदर से इसको सिलाई लगा लेंगे। किस तरीके से करना है तो चलिए मशीन पे आपको ये बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको सिलाई बताई थी इसको हम वैसे सिलाई लगाएंगे। देखिए इसको हमने मिला लिया, यहाँ पे हल्का सा पक्का करेंगे और एक बराबर मिलाते हुए इसको नीचे तक लाएंगे। यहाँ पर पक्का करेंगे जो निशान हमने लगाया था और इसको ऐसे उतार लेंगे, धागा कट करेंगे। और ये किनारे वाली साइड है तो यहाँ से धागा नहीं निकलेगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हम ऐसे करेंगे सीधा, ठीक है। सीधा करने के बाद अब जो हमने जहाँ पे सिलाई लगाई थी, देखिए हमने सीधा इसको ऐसे कर दिया, ये हमारा ये वाला निशान था। अब इस जगह से दोस्तों हमें इसको ऐसे करना है, ठीक है। जो अंदर का मार्जिन है इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, हल्का पक्का करेंगे और इसको हम सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ये किनारे आपकी पलटी रहेगी और यहाँ पे सिलाई आपकी लग जाएगी। तो ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम ऐसे सिलाई लगाएं, एक ही बारी में लग जाएगी। हल्का पक्का करें और इसको उतार दें। अब ये चीज़ करने के बाद देखिए मैं धागे को भी कट कर लेता हूँ, तो बहुत ईजी दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए आपका ये हिस्सा तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका जो भी होगा उसका सर आ जाएगा और ये वाली जो जगह है इसको हम ऐसे करेंगे। अब आपने देखा दोस्तों, यहाँ से हमने सिलाई लगाई थी, फिर उसके बाद इस हिस्से को हमने ऐसे पलट दिया, आप देख सकते हैं। इधर वाले हिस्से को दोस्तों हमें नाखून ऐसे लगाना है और नाखून लगाने के बाद इसको तकरीबन इतना हिस्सा आपको फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे लगानी है सिलाई और इसको बस आराम से ऐसे इतना इतना हिस्सा फोल्ड करते जाना है और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम इसी तरीके से। और दोस्तों आप ये सिलाई लगाएंगे तो पूरी गोलाई है ये घूमते हुए आपके वहीं पे आएगी जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करी थी। तो बिल्कुल जैसे मैं लगा रहा हूँ सिलाई, सेम आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे लाके हम इसको धागे को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये कच्ची सिलाई हो गई, फिर आप इसको दोबारा फोल्ड करें। और दोस्तों आपको ऐसे ही फोल्ड करना होगा, एक बार में फोल्ड आप नहीं कर पाओगे क्योंकि एक जगह गोलाई है। अब एक सिलाई आपको ऐसे लगानी है जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल किनारे पे फिनिशिंग के साथ, ठीक है, इस तरीके से, ये देखें। तो आपको इस तरीके से दोस्तों सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल वैसे ही आप सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे लाके फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो है हिजाब बन के तैयार हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी तो ये हिजाब तो बन के हो गया रेडी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे लेस लगाना चाहता हूँ, और अगर आप बड़मा लेस लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको कम कर लेंगे। अब मैं देखिए यहाँ लेस लगाना चाहता हूँ तो इसको ऐसे रखूंगा, और सीधी तरफ से देखिए लेस है मेरे पास ये, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और दोस्तों सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये भी लेस आपके बिल्कुल ऐसे घूमते हुए आएगी, और यहाँ पे लाके हम इसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद दोस्तों एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे जिससे ये लेस मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से जब आप ये लेस लगा लेंगे तो हमारा हिजाब बनके तैयार है। इसकी कैसी लुक लगती है तो आपको आप इसके फाइनल लुक दिखाते हैं लेस लगाने के बाद। तो देखिए दोस्तों, जो हमने बनाया आप इसकी लुक देख सकते हो, और थोड़ा बेटा घूमना, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लैस वगैरह लगाई है। तो आप देख सकते हैं ये हिजाब जैसा आपको बताया, 4 साल की बच्ची के लिए, 5 साल की बच्ची के लिए ऐसे आप बना सकते हैं। और अगर ये सर मान लो आपका टाइट हो भी जाता है तो इधर से दोस्तों आप आराम से इसको बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए आप, ये जो इसके सर के ऊपर ये जो हिस्सा ऊपर है, ठीक है, आप देखेंगे ये हो गया, और इसके सर के ऊपर ये जो फ्रील है ना, आप ऐसे एक फ्रील बनाकर इसके इस जगह पर भी दोस्तों रखेंगे तो इस तरीके की इसकी लुक आ जाएगी। तो प्लेन बनाना चाहते हैं प्लेन बना लें, ऊपर आप कुछ डिजाइन बनाना चाहते हैं डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन तरीका जो है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो आपको ये हिजाब बनाने का तरीका कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बेटी भी बोलेगी आपको हिजाब कैसा लगा, बोल दो लाइक और शेयर करने के लिए, लाइक कर दो और शेयर कर दो, बोलो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो, वीडियो उधर देख के तो बोलो शेयर कर दो। देखो सैयदा ने बोल दिया, अब आप इसको लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, बाय बाय कर दो।